हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हम सिंटैक्स एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। इसी प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि आपके पास जो कंपाइलर का फर्स्ट फेज था लेक्सिकल एनालिसिस, उसमें किस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस की इनपुट आपके पास सोर्स प्रोग्राम होता है और उसकी जो आउटपुट है वो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन्स होते हैं। और हमने देखा था कि किस तरह से आप किसी भी सोर्स प्रोग्राम को यूजिंग आवर कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज, आप किसी भी प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम को डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आपके पास जो मशीन यूज़ होती थी डेट वर्ड DFA एंड NFA, और आप वहाँ पे जो ग्रामर यूज़ करते थे डेट वर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन ग्रामर। अब आते हैं हम सिंटैक्स एनालिसिस की तरफ। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिंटैक्स एनालिसिस क्या है, और इसके लिए आपको जो चाहिए वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसमें हम इसमें डेरिवेशंस को देखेंगे और उसके आखिर में हम लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास जब आप रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू टोकन जनरेट करते हैं, तो आप यूँ समझ लें कि जो टोकन्स हैं वो आपके पास किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। जिस तरह से आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होती है और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स हैं, तो वो आपके पास सम सॉर्ट ऑफ टोकन्स हैं। लेकिन जब आपने लैंग्वेज में कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आप उन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स को एक खास सीक्वेंस में कंबाइन करके उससे डिफरेंट सेंटेंसेस जनरेट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो जब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन्स होते हैं, अब उन टोकन्स को आपने एक खास सीक्वेंस में लिखना होता है, तब आपके पास वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं। यहाँ पे सेंटेंसेस से मुराद आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। चाहे आप कोई एक कंडीशन इंस्ट्रक्शन लिख रहे हों, चाहे कोई आप वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर रहे हों, चाहे आपको उसको वैल्यू असाइन कर रहे हों, चाहे आप कोई कंडीशन लिख रहे हों, तो ये जितने भी आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेंटेंसेस हैं, और इन सेंटेंसेस को आपने एक खास सीक्वेंस में लिखना होता है। अगर ये सेंटेंसेस एक खास सीक्वेंस में नहीं लिखे होंगे, तो आपका जो कंपाइलर है वो इन सेंटेंसेस को कंपाइल नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को वैलिड करना, इस चीज़ को चेक करना कि क्या जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं या सेंटेंसेस हैं वो एक खास सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो जो आपके पास मॉड्यूल है वो आपके पास सिंटैक्स एनालिसिस का मॉड्यूल है। तो अब आपके पास सिंटैक्स एनालिसिस के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चाहिए। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको इसलिए चाहिए कि आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू डिफाइन नहीं कर सकते। उसमें जो सबसे फेमस है वो आपके पास बैलेंस पैरेंथेसिस का प्रॉब्लम है, यानी आप कोई ऐसी पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग नहीं डिफाइन कर सकते जिसमें आपके पास जो पैरेंथेसिस हैं वो बैलेंस्ड हों। इसी तरह से आपके पास पैलिंड्रोम का प्रॉब्लम है, यानी आप उसमें पैलिंड्रोम भी डिफाइन नहीं कर सकते यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास Type 3 लैंग्वेज है और सबसे लो पावर की लैंग्वेज है। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उसमें आपके पास दो सबसेट हैं ग्रामर्स के। एक आपके पास LL1 ग्रामर है और एक आपके पास LR1 ग्रामर है। आपके पास जो LL1 ग्रामर है, इसका मतलब ये है कि आपके पास लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट डेरिवेशन है, और इसी तरह से आपके पास LR1 का मतलब है लेफ्ट मोस्ट राइट डेरिवेशन। इसमें जो आपके पास LR1 है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू LL1, लेकिन जो LR1 की इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू LL1। इस तरह के पार्सल्स हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर आप चॉम्स्की हायरार्की को देख लें, तो आपके पास जो लीस्ट पावरफुल लैंग्वेज थी डेट वॉज Type 3, और यहाँ पे आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन था। अब आपके पास जो इससे ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है डेट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और इस ग्रामर को आप Type 2 ग्रामर भी कहते हैं। तो उसका मतलब है
कि आपके पास वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे पैटर्न्स जो कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकती है, वो सारे पैटर्न कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के थ्रू भी डिफाइन हो सकते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं कि आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपके पास टर्मिनल, नॉन टर्मिनल और प्रोडक्शन रूल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि आपके पास एक पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर रहा होता है। इसमें जो आपके पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं, टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब यह है कि आपके पास ऐसे सिंबल्स जो कि एलिमेंट्री सिंबल्स हैं जिनको आप फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते या फर्दर उनको ड्राइव नहीं कर सकते। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो आपके पास एलिमेंट्री सिंबल्स हैं, आपके पास टोकन्स होते हैं और इनको इनको सिंबल सेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से आपके पास जो नॉन टर्मिनल सिंबल हैं, दे आर एक्चुअली सिंटैक्टिक वेरिएबल्स, या इनको आप प्लेस होल्डर्स भी कहते हैं। इन प्लेस होल्डर्स का मतलब यह है कि नॉन टर्मिनल सिंबल जो है वो आपको डिफरेंट टर्मिनल सिंबल्स की प्लेस डिफाइन कर रहे होते हैं कि किस प्लेस पे कौन सा टर्मिनल सिंबल आएगा। अल्टीमेटली नॉन टर्मिनल सिंबल आप रिप्लेस करते हो विद टर्मिनल सिंबल्स, और यही जो नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं ये आपके पास एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं कि उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। जो तीसरी चीज़ है वो आपके पास है वो प्रोडक्शन रूल्स हैं। प्रोडक्शन रूल आपके पास ऐसे रूल्स हैं जो डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपने किस तरह से किसी भी टर्मिनल सिंबल, नॉन टर्मिनल सिंबल को टर्मिनल सिंबल के साथ रिप्लेस करना है। और इसी तरह से आपके पास एक स्पेशल नॉन टर्मिनल सिंबल होता है एस, जिसको हम स्टार्टिंग सिंबल कहते हैं। तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को देखें तो इसमें आपके पास वी होगी, वी मीन्स नॉन टर्मिनल सिंबल, आपके पास सिंबल का सेट होगा जो कि आपके पास टर्मिनल सिंबल्स होंगे, इसी तरह आपके पास सेट ऑफ प्रोडक्शंस होंगी जो कि रूल्स डिफाइन होंगे, और एक आपके पास नॉन टर्मिनल सिंबल एस होगा जिससे आप कॉन्टेक्स्ट फ्री में डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, आप यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर ग्रामर को देखें तो इसमें आपके पास जो मेन ग्रामर है उसमें आपके पास फोर ट्यूपल्स हैं। इसमें अगर आप वी की बात करें तो आपके पास क्यू जी एन है, तो उसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा ग्रामर है जिसमें आपके पास तीन नॉन टर्मिनल सिंबल यूज़ किए गए हैं। एक आपके पास क्यू है, दूसरा जी है और तीसरा एन है। और इस तरह से आपके पास जो सिंबल सेट है उसमें आपके पास जीरो और वन है, तो उसका मतलब है इसमें आपके पास जो टर्मिनल सिंबल है वो जीरो और वन है। और जो आपके पास प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन आपके पास डिफरेंट प्रोडक्शन है, क्यू कैन बी रिप्लेस विद जी। अगर आप प्रोडक्शन को देखें तो उसमें आपके पास लेफ्ट साइड पे नॉन टर्मिनल सिंबल में से कोई एक सिंबल होगा, और उसके बाद एरो का सिंबल होगा, और आपके राइट साइड पे टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल हो सकते हैं। तो ये आपके पास एक प्रोडक्शन का एक पैटर्न है, इस तरह से प्रोडक्शन लिखी होती हैं। तो आपके पास पी के अगेंस्ट यहाँ पे एक, दो, तीन, चार और पांच प्रोडक्शन लिखी गई है। और इसी तरह से आपके पास जो स्टार्ट है डेट इज़ क्यू, तो उसका मतलब है आप जब स्टार्ट लेंगे तो आप क्यू सिंबल से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद आप डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। इसको आप किसी दूसरे पैटर्न में भी डिफाइन कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप इसी तरह से डिफाइन करें। यहाँ पे इसी ग्रामर को एक और तरीके से डिफाइन किया गया है जिसमें आपके पास दो नॉन टर्मिनल सिंबल एस और पी यूज़ किए गए हैं, और इसी तरह से आपके पास जो टर्मिनल सिंबल हैं वो ज़ीरो, वन और एप्सिलॉन है। तो उस ग्रामर को अगर आप देखें तो बेसिकली ये ग्रामर कह रहा है एस कैन बी रिप्लेस विद पी। तो अगर आप इसको देखें तो सम सॉर्ट ऑफ पैलिंड्रोम के ये सी एफ जी लिखी गई है, यानी आपके पास पी जो है वो रिप्लेस हो सकता है ज़ीरो पी ज़ीरो, या पी रिप्लेस हो सकता है वन पी वन, और उसके बाद पी को आप रिप्लेस कर सकते हैं ज़ीरो वन या एप्सिलॉन से। तो जो आपके पास ये एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ये पैलिंड्रोम की जितने भी आपके पास स्ट्रिंग्स हैं उनको डिफाइन कर रहा है जो कि ज़ीरो और वन से बन रही हैं। अब हम ज़रा डेरिवेशन को देखते हैं कि डेरिवेशन किस तरह से होगी, यानी अगर आपके पास एक ग्रामर होगा उस ग्रामर से आप एक वर्ड किस तरह से ड्रॉ करेंगे। लेट्स से आपके पास ये एक इनपुट है 101, आपने 101 को इस ग्रामर को यूज़ करते हुए आपने
101 का स्ट्रक्चर या इसकी डेरिवेशन करनी है। तो अब जब भी स्टार्ट करेंगे तो हमेशा आप स्टार्ट सिंबल से करेंगे डेरिवेशन। तो आपके पास जो स्टार्ट सिंबल है वो एस है। अब उसके बाद आपके पास एस के अगेंस्ट सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है, सिर्फ एक ही रूल है कि आप एस को रिप्लेस कर सकते हैं विद पी। तो आप एस को पी के साथ रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे अब थोड़ा सी गलती है कि यहाँ पे आप एस को पहले पी के साथ रिप्लेस करेंगे। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पी है, अगर आप पी को देखें तो पी के अगेंस्ट आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। या तो आप पी को 0P0 के साथ रिप्लेस करें, या 1P1 के साथ रिप्लेस करें, या 0 के साथ, या 1 के साथ। तो अगर आप इस पर्टिकुलर इनपुट को देखें तो इस इनपुट में आपके पास स्टार्ट और एंड पे दोनों 1 हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 1P1 यहाँ पे मोस्ट सूटेबल प्रोडक्शन है। तो आप इस पी को रिप्लेस करेंगे विद 1P1। अब आप इस डेरिवेशन को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक आपके पास ये जो नॉन टर्मिनल सिंबल है ये किसी टर्मिनल सिंबल के साथ रिप्लेस नहीं हो जाता। अब आपके पास 1, 1 रिप्लेस हो चुके हैं, यानी अभी आपके पास ये फॉर्म बन चुकी है 1P1। अब आपको पी की जगह 0 चाहिए, तो अब आप पी को फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं इसमें से किसी एक प्रोडक्शन के साथ। तो अगर आप देखें तो जो P कैन बी रिप्लेस विद 0, ये मोस्ट सूटेबल प्रोडक्शन है। तो आप इसको 0 के साथ रिप्लेस करेंगे और अब आपके पास कोई भी नॉन टर्मिनल सिंबल नहीं बचा, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। तो आपके पास जो स्ट्रिंग ड्रा हुई है वो है 101। इसी तरह से लेट्स एक और आपके पास इनपुट है 11001। अगेन आपने स्टार्ट करना है विद एस और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चॉइस है डेट इज़ पी। पी यहाँ पे नहीं होगा, ऑब्वियसली थोड़ी सी गलती होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे पी होगा। अब अगर आप देखें तो आपने ये जो लेफ्ट मोस्ट करेक्टर्स हैं इनको देखना है, तो आपके पास जो लेफ्ट मोड्स हैं वो 1 और 1 है। तो उसका मतलब है मोस्ट सूटेबल जो प्रोडक्शन है वो थर्ड प्रोडक्शन है। आप इसको 1P1 के साथ रिप्लेस करेंगे। तो अब आपके पास 1 और 1 आ चुके हैं। अब आपने फर्दर पी को रिप्लेस करना है। तो अगर आप देखें तो अब इनर जो आपके पास एक स्ट्रिंग बची है उसमें अगेंस्ट उसके जो लेफ्ट और राइट मोस्ट कैरेक्टर्स हैं वो 1 हैं। तो अगेन आपके पास मोस्ट सूटेबल 1P1 होगा। तो इसका मतलब है अब आपके पास यहाँ पे 1-1 ड्रॉ हो चुके हैं। उसके बाद आपके पास 0-0 है। अब आपने 0-0 को ड्रॉ करना है। तो आपके पास पी है इनपुट। अब अगर आप देखें तो पी के लिए जो मोस्ट सूटेबल 0-0 है वो 0P0 है। तो आप इसको 0P0 के साथ रिप्लेस करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे 0 और 0 आ चुके हैं और अब आपके पास जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपके पास एक नॉन टर्मिनल सिंबल पी अभी मौजूद है। तो इस पी को आप एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये जो डेरिवेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से ये सिर्फ एक स्ट्रिंग की डेरिवेशन है। जब हम इस डेरिवेशन को CFG के लिए यूज़ करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन्स होंगे और उन टोकन्स को हम एक ख़ास सीक्वेंस में फॉलो कर रहे होंगे। तो आपके पास ये जो डेरिवेशन है इसको हम कहते हैं इट्स अ पार्स ट्री, और इसीलिए इसको हम पार्सिंग भी कहते हैं। ओके, इसी तरह से आपके पास जो डेरिवेशन है वो दो तरह की हो सकती है। एक आपके पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो सकती है और एक राइट मोस्ट डेरिवेशन हो सकती है। जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो आपके पास एक ग्रामर है जिसमें आपके पास 3 प्रोडक्शन है। एक आपके पास प्रोडक्शन है ए कैन बी रिप्लेस विद ए प्लस ए, और इसी तरह से ए कैन बी रिप्लेस विद ए माइनस ए, और आपके पास जो थर्ड प्रोडक्शन है वो ए कैन बी रिप्लेस विद ए। तो यहाँ पे आपके पास जो स्टार्ट सिंबल है वो ए है, यानी आपने स्टार्ट करना है ए से। लेट्स से आपके पास एक इनपुट है स्मॉल ए प्लस ए माइनस स्मॉल ए। तो अगर आप लेट्स से इस डेरिवेशन को देखें तो इसमें आपने सबसे पहले ड्रॉ किया है ए कैन बी रिप्लेस विद ए प्लस ए, और उसके बाद आपने इस ए को लेफ्ट ए को रिप्लेस किया है विद ए, आपने अब इसको टर्मिनल सिंबल के साथ रिप्लेस किया है, और उसके बाद आपने इस ए की डेरिवेशन स्टार्ट की है फर्दर। तो आपके पास ये आ गया
लेट से ए माइनस ए, और उसके बाद आपने इस ए की डेरिवेशन की है विद ए, इसको फर्दर आपने ए टर्मिनल सिंबल के साथ रिप्लेस किया है, और उसके बाद आपने इसको रिप्लेस किया है ए के साथ। तो आपके पास जो अल्टीमेट इनपुट आउटपुट जो डेरिवेशन हुई है वो है ए प्लस ए माइनस ए। तो अगर आप इस डेरिवेशन को देखें तो आपने जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल सिंबल है उसको पहले प्रोसेस किया है, यानी पहले आपने उसको डिराइव किया है। तो इस तरह की जो डेरिवेशन है इसको हम कहते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। इसी तरह से आपके पास राइट मोस्ट भी हो सकती है। लेट से अगर आप इसको देखें तो अगर आप इस तरह का पैटर्न यूज़ करें ए प्लस ए, और इसके बाद आप इस ए को फर्दर एक्सपेंड करें और इसको रिप्लेस करें विद ए माइनस ए, और इसके बाद आप इस ए को रिप्लेस कर दें विद ए, और इसको आप माइनस वैसे ही रहेगा, और उसके बाद आप इस ए को रिप्लेस करें विद ए, और उसके बाद इस ए को रिप्लेस करें विद ए। तो अब अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में आपने राइट साइड से नॉन टर्मिनल सिंबल्स को ड्राइव करना शुरू किया है। तो इस तरह की जो डेरिवेशन है इसको हम कहते हैं इट्स अ राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो दो तरह के डेरिवेशन हो सकती है, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट। यहाँ पे ये एग्जांपल हम पहले ही कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।